ये हैं श्याम कुमार अग्रवाल। श्याम कुमार अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के संबलपुर में 1975 में हुआ। माता चंदा देवी गृहिणी और पिता राम अवतार आलू प्याज का बिजनेस करते हुए अपने परिवार को चलाते थे। बड़ी विषम परिस्थितियों और आर्थिक तंगी में उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया। तीन भाइयों में सबसे बड़े श्याम कुमार ने बीएससी एलएलबी करके सहारा इंडिया में कैशियर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्हें 4000 का मासिक वेतन मिलता था। छोटे भाई सचिन अग्रवाल ने 2002 में ही आरसीएम शुरू कर दिया था। उस समय बड़े भाई श्याम कुमार ने उन्हें भी आरसीएम नहीं करने और कोई जॉब करने की सलाह दी थी, लेकिन 2006 में छोटे भाई सचिन के टेक्निकल अचीवर बन जाने के पश्चात उन्होंने आरसीएम को शुरू करने का निर्णय लिया। राह आसान नहीं थी, उनका कम बोलना और शर्मिला अंदाज राह में रोड़ा थी। दोस्त भी मजाक बनाते थे और आरसीएम नहीं करने की सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने छोटे भाई सचिन को गुरु बनाने में बिल्कुल हिचक महसूस नहीं की और लगातार सीखने और सेमिनार में जाने का क्रम जारी रखा। पत्नी पूजा ने अपने छोटे बच्चे को संभालते हुए श्याम का भरपूर सहयोग किया, फिर श्याम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2007 में रॉयल्टी व 2008 में टेक्निकल मुकाम हासिल किया और आज श्याम कुमार अग्रवाल को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों की पिन स्टार रूबी से सम्मानित किया जा रहा है। जो दिक्कतें भैया की जिंदगी में आई इस बिजनेस को बिल्ड करते समय, जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, बहुत सारे लोग उन परिस्थितियों में ये बिजनेस छोड़ देते हैं। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की तो हमारे पास में खुद का मकान नहीं था, ये ऑफिस भी नहीं था। अभी तक हम भाड़े के घर में रह रहे थे और बहुत छोटा घर था। दिन ऐसे थे कि नाम का कारखाना खाने के लिए कभी कभी घर में सबके लिए बन नहीं पाता था। तो मम्मी खुद पानी पी के सो जाती थी, बोलती थी बेटा आज मेरा उपवास है। भैया की तरह जो इस बिजनेस में उस परिस्थितियों में भी लगे रहते हैं, उनके पास इतनी बड़ी कामयाबी होती है। सबसे बड़ा जो सपना था कि मेरा मंदिर बहुत सुंदर हो, आज हम इतने बड़े मंदिर में पूरे परिवार एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं। जो फ्रेंड्स हमें कहा करते थे कि अरे क्या करते हो आरसीएम, वो हमारे वीडियो देख के, घर तो देखा नहीं था उन्होंने, इस घर का वीडियो देख के वो लोग हमें कहने लगे कि बहुत खूबसूरत घर बनाया है। और भैया के अंदर मैंने ये केयरिंग एटीट्यूड देखा है, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति की वो परवाह करते हैं, हर एक व्यक्ति की कामयाबी के बारे में वो सोचते हैं, हर व्यक्ति की कामयाबी के लिए प्लानिंग करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े तो भी वो कभी पीछे नहीं हटते। के टाइम में इतना कंफर्टेबली इतनी हैप्पीली कैसे रह पा रहे हैं आप लोग, हमारा सिर्फ एक ही जवाब रहता है थैंक्स टू आरसीएम। भैया को मैंने देखा है कि उनके अंदर जो केयरिंग नेचर है इस बिजनेस में, वो एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे दोस्त बिजनेस को कर ले तो शायद हम कामयाब हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे एक भी दोस्त आरसीएम बिजनेस में नहीं है, उसके बाद भी मैं आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल पे और कोर लीडर हूँ। श्याम कुमार अग्रवाल,